उत्तराखंड के हल्द्वानी में लोग गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। शहर के कई गंदे इलाकों में पानी की सप्लाई हो रही है। गंदे पानी की सप्लाई से लोग परेशान हैं, जिससे नाराज होकर लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पेयजल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कई दिनों से नलों से गंदा पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदार विभाग सुध लेने को तैयार नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहीं जल संस्थान के ईई का कहना है कि पानी की पाइप टूटने की वजह से परेशानी जो है वो बढ़ गई है, जल्द ही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर प्रदर्शन के बाद ही जिम्मेदार विभाग की नींद क्यों खुलती है? आखिर सरकारी महकमे के कर्मचारी अपने काम पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं करते? हम मांग कर रहे हैं कि जल संस्थान प्रशासन होश में आए, पेयजल मंत्री होश में आए, पेयजल व्यवस्था जो शहर में चरमरा गई है उसको ठीक करने का काम करें। लोगों को दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर पेयजल के लिए व्यवस्था करनी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है। और बड़ा शर्म का विषय है, जब कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी की स्थिति यह है, तो आप कल्पना कर सकते हैं पूरे प्रदेश की स्थिति पेयजल की किस तरीके की। एक वाले क्षेत्र से शिकायत आ रही है, इसमें विगत कुछ वैसे ये दिक्कत आई है कि तो गोला की सप्लाई भी बीच में हिस्सा मिल गया, उससे भी काफ़ी जो रात रात को सिल्ट बहाने के लोगों के द्वारा सप्लाई बंद की गई थी, उससे डिस्टर्बेंस आया। और विगत दो तीन दिनों से दो बार फेज उल्टे भी हो गए, तो जिससे ट्यूबवेल चलने में